नमस्कार। कोच पिछले सप्ताह के आज के एपिसोड में मैं तानिया पांडे आपका स्वागत करती हूँ। भारत के न्यायालयों की खबरें लगातार पाने के लिए लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ पीड़ित का अपील करने का अधिकार एक संपूर्ण अधिकार है और विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 25 जनवरी को डिलीवर किए गए एक फैसले में कहा, पीड़ित को धारा 372 सीआरपीसी के तहत अपील करने का वैधानिक अधिकार है। धारा 372 के प्रोविजो की धारा 378 की उपधारा 4 की तरह अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करते हैं। प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को फैसला सुनाया। केंद्र और राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण के मानदंडों के बारे में भ्रम को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा था कि अस्पष्टता के कारण कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं। न्यायमूर्तिगण एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी आर गवई की पीठ ने 26 अक्टूबर 2021 को जजमेंट रिजर्व करा था। पीठ ने फैसले में घोषणा की कि एक, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए न्यायालय कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता। दो, राज्य प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के संबंध में क्वांटिफायबल डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। तीन, आरक्षण के लिए क्वांटिफायबल डेटा के संग्रह के लिए कैडर एक यूनिट के तौर पर होना चाहिए। चार, 2006 के नागराज फैसले का प्रोस्पेक्टिव प्रभाव होगा। और पांच, बीके पवित्र द्वितीय में समूहों के आधार पर आंकड़ों के संग्रह को मंजूरी देने का निष्कर्ष न कि कैडर के आधार पर जर्नैल सिंह के फैसले के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को स्पाइसजेट लिमिटेड के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित पब्लिकेशन ऑर्डर पर रोक लगा दी। सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने स्पाइसजेट के खिलाफ कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स भी दिए। स्पाइसजेट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने ये कहते हुए 3 सप्ताह का समय मांगा कि वे स्विट्जरलैंड स्थित स्टॉक कॉरपोरेशन क्रेडिट स्विस एजी के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। मामले को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है और पब्लिकेशन आदेश भी तब तक के लिए स्थगित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को केरल राज्य को कहा कि जब राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, वो पहले से ही अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर ना करे। न्यायमूर्तिगण एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने केरल राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ से कहा, कृपया सरकार को निर्देश दें कि जो लोग बाहर हैं और यहां तक कि जेल में बंद व्यक्तियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई ना करें, देखें कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 401 के तहत रिविजन ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हुए अक्विटल के निष्कर्ष को कन्विक्शन में परिवर्तित नहीं कर सकता। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश पारित किया गया है तो हाईकोर्ट मामले को ट्रायल कोर्ट को भेज सकता है और यहां तक कि सीधे पुनर्विचार भी कर सकता है। हालांकि अगर बरी करने का आदेश फर्स्ट अपेलेट कोर्ट द्वारा पारित किया जाता है तो उस मामले में हाईकोर्ट के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं। एक, अपील की सुनवाई के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेजना, या दो, उपयुक्त मामले में मामले को फिर से ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने 25 जनवरी को उस याचिका पर यूनियन ऑफ इंडिया और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले पब्लिक फंड से मुफ्त उपहार का वादा करने की अनुमति ना दें और जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करें या पार्टियों के चुनाव चिन्ह जब्त करें। आइए अब डालते हैं एक नजर हाईकोर्ट्स और अन्य कोर्ट्स के जजमेंट्स पर। एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 2 साल 4 महीने की सजा काट चुके इमरान शेख ने
सेंट्रल प्रिजन औरंगाबाद के सुपरिंटेंडेंट को लिखा था। मैं भूल गया हूं कि इंसानों के साथ संवाद कैसे किया जाता है। हर मानवीय भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, यहां तक कि कोई जानवरों को भी इस तरह नहीं रखता है। फिर भी उन्हें राहत नहीं दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शेख की पत्नी के पत्र का संज्ञान लिया और जेल अधिकारी को उसे तत्काल प्रभाव से एक साधारण जेल सेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और डॉक्टरों की एक टीम को जेल का दौरा करने तथा उसकी स्थिति का पता लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्तिगण वी के जाधव और एस सी मोरे की पीठ ने कहा कि कैदी को प्रिजनर्स एक्ट की धारा 46 उपधारा 10 के तहत 14 दिनों की अवधि से अधिक सेल्यूलर कन्फाइनमेंट में रखने की अनुमति नहीं होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन पीनल कोड की धारा 375 के एक्सेप्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई जारी रखी। धारा 375 का एक्सेप्शन एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने के मामले में बलात्कार के अपराध से छूट देता है। एनजीओ हृदय की ओर से पेश एडवोकेट आर के कपूर ने मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन का विरोध किया और न्यायमूर्तिगण राजीव शंकर और सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष कहा कि वैवाहिक संबंधों में पति और पत्नी के बीच फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स को बलात्कार के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है और इसे केवल सेक्सुअल अब्यूज ही कहा जा सकता है। मामले में एमिकस क्यूरियाई के रूप में उपस्थित सीनियर एडवोकेट रिबेका जॉन ने कहा कि आईपीसी की धारा 498A, 304B, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और अन्य सिविल रेमेडीज एक पत्नी द्वारा अपने पति पर बलात्कार के आरोप लगाने से संबंधित धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध से निपटने के लिए अपर्याप्त है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्व सेक्सुअल एक्ट के दौरान दी गई सहमति भविष्य तक विस्तारित नहीं होगी। जस्टिस विवेक पुरी की बेंच ने आगे कहा कि कानून महिला के यौन संबंध रखने के अधिकार को स्वीकार करता है। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सहमति को वापस लेना पहले की सहमति को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देता है और इसलिए फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉन कंसेंशुअल बन जाता है, जो कि आईपीसी की धारा 376 के दंड प्रावधानों को आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी या स्पेशल एक्विटी के मामले में इररेपरेबल हार्म को रोकने के लिए बैंक को इंटरिम इंजंक्शन द्वारा अनकंडीशनल और फुल बैंक गारंटी इन्वोक करने से रोका जा सकता है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने आगे कहा कि अनुबंध के पक्षों के बीच विवादों का अस्तित्व बैंक गारंटी के एनफोर्समेंट को रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर जारी करने का आधार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले से नियुक्त 69,000 अभ्यर्थियों के अलावा प्रदेश में प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स के रूप में 7800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। जस्टिस रंजन रॉय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार बिना विज्ञापन जारी किए 69,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं कर दे सकती है, क्योंकि राज्य द्वारा जारी मूल विज्ञापन में केवल 69,000 पदों को भरने का ही इरादा था। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कोई भी लीगल अपडेट्स मिस ना करने के लिए लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। मैं हूं तानिया पांडे और आप देख रहे हैं कोर्ट्स पिछला सप्ताह। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लाइव ब्लॉग।